देखो समाकलन सेवन चैप्टर, इस पर आधारित विविध प्रश्नावली, ठीक है ना। 7.1 से 7.11 तक खत्म हो गया। विविध प्रश्नावली है, इसमें देखो कितने क्वेश्चन है, इसमें तुम्हारे 40 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है? 40 क्वेश्चन, ठीक है ना। 3-4 दिन लगेगा इसमें, खत्म हो जाएगा। हैं 40 प्रश्न हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, करते हैं आगे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन है, 1 से 24 तक के प्रश्नों के फलनों का समाकलन कीजिए। क्या करना? फलनों के समाकलन करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है 1 बाय x माइनस x क्यूब का समाकलन करना है, ठीक है ना। इंटीग्रेशन ऑफ dx, इसको i मान लेते हैं। योग्य मान क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखो इसको किस तरीके से समाकलन करेंगे, तो उस पर तो इसमें से हम नीचे से क्या करते हैं, x कॉमन ले सकते हैं, तो x 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऑफ डी एक्स लिख सकते हैं। अच्छा 1 माइनस एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम, 1 बाय x प्लस 1 और x माइनस, सॉरी ऐसे लिखेंगे, x 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स। क्या कर हमने यहाँ पे सूत्र लगा दिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ठीक है ना, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक। अच्छा हमने एक्स समाकलन किया था 7.4 एंड 5 में, इसको हमें क्या करना है, हमें तोड़ना है किसके फॉर्म में, ए और बी के फॉर्म में। देखो करना कैसे है, ट्रेडिशनल मेथड अगर अप्लाई करेंगे तो ट्रेडिशनल मेथड के अकॉर्डिंग 1 बाय x 1 माइनस x और 1 प्लस x बराबर क्या मानेंगे, a अपॉन x प्लस b अपॉन 1 माइनस x प्लस c अपॉन 1 प्लस x, ये तो रखेंगे, ठीक। तो देखो इसका एलसीएम ले लो, x 1 माइनस x 1 प्लस x, इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो a 1 माइनस x 1 प्लस x प्लस b, देखो इस ये कैंसिल हो जाएगा, इसका और इसका मल्टीप्लाई होगा इसके साथ x और 1 प्लस x, ठीक ना, प्लस c, c में मल्टीप्लाई होगा, ये कैंसिल आउट होगा, ये इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा x और 1 माइनस x का, ठीक। अच्छा इसका मल्टीप्लाई करूँ तो ये जाएगा a 1 बाय x 1 माइनस x 1 प्लस, इससे ही कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे 1 बचेगा, 1 इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा प्लस b, इसके अंदर मल्टीप्लाई करो तो x प्लस एक्स स्क्वायर, इसके अंदर मल्टीप्लाई करो तो प्लस c x माइनस एक्स स्क्वायर। अरे बस समझे, a का अंदर मल्टीप्लाई करो b का और c का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो a माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स माइनस सी एक्स का स्क्वायर होगा। अच्छा एक्स स्क्वायर वाले टर्म्स को एक साथ लो, एक्स वाले टर्म्स को एक साथ लो और कॉन्स्टेंट टर्म्स ले लो। देखो इसमें एक्स स्क्वायर है तो इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, तो माइनस का ए प्लस का सी माइनस का सॉरी प्लस का बी माइनस का सी, इन दोनों में से एक्स कॉमन आएगा तो एक्स कॉमन ले लो, तो बी प्लस सी प्लस ए यहाँ पे बचा। अरे बस समझे, इसको लिखेंगे 1 है ना यहाँ पे, इसको लिखेंगे 0x2 + 0x + 1, इसके हम क्या करेंगे तुलना कर देंगे तो क्या जाएगा, एक्स का स्क्वायर का गुणांक कितना है यहाँ पे, 0 है, तो माइनस का a प्लस का b माइनस का c बराबर 0, यहाँ से जाएगा b प्लस c बराबर 0 और a बराबर कितना जाएगा 1, देखो यहाँ से b बराबर हो जाएगा माइनस का c,
बी बराबर माइनस का सी, रख दो वैल्यू उठा के यहाँ पे, ए की जगह हो जाएगा माइनस का वन प्लस का बी कितना हो जाएगा माइनस ऑफ सी, तो माइनस का सी इक्वल टू जीरो, तो माइनस टू सी बराबर वन, वन को चले जाएंगे प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ से सी बराबर हो जाएगा माइनस का एक बटे दो, सी बराबर एक माइनस का एक बटे दो, सी का वैल्यू रख दो यहाँ पे, तो बी बराबर कितना जाएगा, और बी बराबर हो जाएगा यहाँ से तुम्हारा एक बटे दो। ये तो है हमारा ट्रेडिशनल मैथड, अरे बात समझ में। अच्छा, हम शॉर्ट मैथड ट्रिक भी यूज़ करते हैं, कैसे कि ए बटे एक्स है, एक्स बराबर ज़ीरो रख दो, एक्स बराबर ज़ीरो ठीक ना, इसको छोड़ के बाकी दोनों में रख दो वैल्यू, तो एक्स का ज़ीरो तो वन माइनस ज़ीरो वन, वन माइनस ज़ीरो सॉरी वन प्लस ज़ीरो वन, वन इंटू वन, तो ए का वैल्यू कितना जाएगा वन हो जाएगा ठीक, इसके बराबर ज़ीरो रख दो, तो वन माइनस एक्स बराबर ज़ीरो रखेंगे तो एक्स बराबर कितना आएगा वन, इसको छोड़ के वन माइनस एक्स को छोड़ के बाकी सब में क्या कर दो वन रख दो, तो वो वन और वन प्लस वन तो कितना टू, टू इंटू वन टू, तो वन बाई टू, बी बराबर कितना आएगा वन बाय टू ठीक, और सी बराबर कितना आएगा माइनस का वन रखोगे तो इसमें नहीं रखोगे, इसमें रखोगे तो माइनस वन कितना जाएगा सॉरी प्लस का टू और ये माइनस का वन, तो प्लस टू इंटू माइनस वन माइनस का एक बटे दो, तो सी बराबर कितना जाएगा माइनस का एक बटे दो। तो शॉर्ट ट्रिक यूज़ करेंगे तो डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं, बाकी ट्रेडिशनल मेथड यूज़ करोगे ये यूज़ करोगे ठीक ना, बोर्ड के एग्जाम में शॉर्ट ट्रेडिशनल दोनों को मिक्स करके कर देना ठीक है ना, हाँ दोनों को मिक्स करके कर देना। कौन से गाइड में तो डायरेक्टली दे रखा होगा ना, वो डायरेक्टली दे रखा होता है उसमें, गाइड से मत देखा कर ठीक है। तो देखो इसके बराबर हम क्या लिख सकते हैं, इसके बराबर लिखेंगे आई बराबर इंटीग्रेशन, देखो ए बाई एक्स है ना, तो वन बटे एक्स प्लस बी का वैल्यू एक बटे दो बटे वन माइनस एक्स प्लस सी का वैल्यू कितना माइनस का एक बटे दो, तो माइनस का एक बटे दो बटे वन प्लस एक्स ऑफ डी एक्स हो जाएगा। देखो तो इंटीग्रेशन वन बाय एक्स डी एक्स अलग अलग कर लो, वन बाई टू इंटीग्रेशन डी एक्स बाय वन माइनस एक्स माइनस एक बटे दो इंटीग्रेशन डी एक्स बाय वन प्लस एक्स हो जाएगा। अच्छा वन बाय एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा लॉग एक्स माइनस का एक बटे दो, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस का लॉग वन माइनस एक्स, माइनस का लॉग वन माइनस, माइनस का इसलिए लेंगे क्योंकि एक्स यहाँ पे क्या है माइनस का है, क्योंकि इसको अगर डी एक्स पुटिंग करोगे टी पुटिंग करोगे तो माइनस ऑफ डी एक्स बराबर डी टी आएगा ना, तो डी एक्स बराबर क्या माइनस ऑफ डी टी आएगा ठीक है ना, इसलिए माइनस। तो हमेशा ध्यान रखना अगर एक्स माइनस में है तो इंटीग्रेशन किस में आएगा माइनस में आएगा, माइनस का एक बटे दो लॉग वन प्लस एक्स प्लस सी, इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करो तो जाएगा लॉग एक्स माइनस का एक बटे दो कॉमन है ना दोनों में से, तो क्या जाएगा लॉग वन माइनस एक्स और जाएगा प्लस लॉग वन प्लस एक्स, तो जाएगा लॉग एक्स माइनस का एक बटे दो, तो लॉग वन माइनस एक्स वन प्लस एक्स प्लस सी, प्लस में है ना किस में जाएगा इनटू में, तो ये जाएगा लॉग एक्स माइनस का एक बटे दो लॉग ये हो जाएगा वन माइनस एक्स स्क्वायर, वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो चाहो तो इसको इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हो लॉग एक्स बटे रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी, कैसे एक बटे दो अंदर चलो इधर चला जाएगा तो रूट में हो जाएगा, माइनस में है तो किस में आ जाएगा वो डिवाइड में आ जाएगा ठीक ना, लॉग एम माइनस लॉग एन का फॉर्मूला यूज हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारा आंसर ठीक है। करो देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, चलो बातें नहीं देखो, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन
वन बाय रूट ऑफ एक्स प्लस ए प्लस रूट ऑफ एक्स प्लस बी ऑफ डी एक्स, एक्स प्लस बी ऑफ डी एक्स, ठीक है ना। ये इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन करना है। देखो इसमें बाद नहीं, देख इधर, इसमें अगर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इसमें ना तो हम प्रतिस्थापन विधि यूज कर सकते हैं, ना ही इसके बराबर कोई सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसको एक ट्रिक लगाना पड़ेगा इसमें, इसको इंटीग्रेट करने के लिए क्या ट्रिक लगाते हैं वो देखें। इसका परिमेयकरण कर देते हैं, वन बाय रूट ऑफ एक्स प्लस ए प्लस रूट ऑफ एक्स प्लस बी, इसका परिमेयकरण करेंगे तो ऊपर नीचे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, वन बाय सॉरी रूट ऑफ एक्स प्लस ए माइनस रूट ऑफ एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाय रूट ऑफ एक्स प्लस ए माइनस रूट ऑफ एक्स प्लस बी ऑफ डी एक्स, इसका क्या करेंगे, परिमेयकरण कर देंगे। तो देखो इंटीग्रेशन रूट ऑफ एक्स प्लस ए माइनस रूट ऑफ एक्स माइनस बी डिवाइडेड बाय, देखो ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक ना। तो क्या जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये जाएगा रूट ऑफ एक्स प्लस ए का स्क्वायर माइनस रूट ऑफ एक्स प्लस बी का स्क्वायर ऑफ डी एक्स। तो जाएगा इंटीग्रेशंस रूट ऑफ एक्स प्लस ए माइनस रूट ऑफ एक्स माइनस बी डिवाइडेड बाय, इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट से रूट स्क्वायर क्या जाएगा, कैंसिल, क्या बचेगा एक्स प्लस ए, इसके रूट से इसका स्क्वायर कैंसिल, और माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर देना, तो माइनस का एक्स माइनस का बी ऑफ डी एक्स, दो एक्स एक्स कैंसिल, क्या बचेगा ए माइनस बी, इसको बाहर ले लो, तो ए माइनस बी इंटीग्रेशंस रूट ऑफ एक्स प्लस ए माइनस रूट ऑफ एक्स माइनस बी ऑफ डी एक्स, ठीक ना। तो इसको मैं लिख लेता हूँ पावर वन बाई टू, कितना पावर वन बाई टू, इसका भी पावर वन बाई टू, कोई दिक्कत है, रूट का मतलब पावर वन बाई टू, ये प्लस का ही है, प्लस का ही है ये, ठीक है। देखो अब इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, क्या होगा, सेम भैया बी कांस्टेंट है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर एक्स प्लस ए बराबर डी एक्स रखोगे तो क्या जाएगा, सॉरी ए प्लस एक्स बराबर टी रखोगे तो डी एक्स बराबर क्या जाएगा, डी टी आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, टी की पावर वन बाई टू हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऐड कर दो उसमें, घात को ऐड कर दो, तो एक्स प्लस ए की पावर वन बाई टू प्लस वन डिवाइडेड बाय वन बाई टू प्लस वन माइनस, इसका भी इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स प्लस बी की पावर वन बाई टू प्लस वन डिवाइडेड बाय वन बाई टू प्लस वन प्लस सी हो जाएगा, कोई फर्क है, नहीं आया समझ में, देख इस तरीके से इंटीग्रेशन वन बाय सॉरी रूट ऑफ एक्स प्लस ए ऑफ डी एक्स है ना, क्या करेंगे एक्स प्लस ए बराबर क्या रख देंगे टी, तो डी एक्स बराबर क्या जाएगा डी टी, तो इसका हो जाएगा इंटीग्रेशन टी की पावर वन बाई टू ऑफ डी टी, ये तो होगा, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा टी की पावर वन बाई टू प्लस वन डिवाइडेड बाय वन बाई टू प्लस वन, टी का वैल्यू अगर रखेगा एक्स प्लस ए तो सेम यही तो आएगा है, सेम इसका भी यही आ जाएगा। तो प्रतिस्थापन विधि से करो या डायरेक्टली तुम्हें आता है तो डायरेक्टली करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये हो जाएगा तुम्हारा वन अपॉन ए माइनस बी, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा तीन बटे दो, इसका पावर भी कितना आएगा तीन बटे दो, तो एक्स प्लस ए की पावर तीन बटे दो बटे तीन बटे दो माइनस एक्स प्लस बी की पावर थ्री बाय टू अपॉन थ्री बाय टू, ठीक, टू ऊपर चला जाएगा तो कितना आएगा दो बटे तीन, दो बटे तीन, दो बटे तीन कॉमन आ जाएगा तो दो बटे तीन ए माइनस बी, आ रही बात समझ में है, ठीक ना, कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ पे एक्स प्लस ए की पावर थ्री बाई टू माइनस एक्स प्लस बी की पावर थ्री बाई टू, ये जगह आंसर, ठीक ना, प्लस सी लग रख दो वो तो आना ही है, ठीक ना, ये जगह इसका इंटीग्रेशन। तो इसीलिए थोड़ा सा शॉर्टकट करूँगा ताकि जल्दी एक्सरसाइज ख़त्म हो जाए। देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड,
वन बाय एक्स रूट ऑफ ए माइनस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर है, वन बाय एक्स रूट ऑफ ए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक। इसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक है ना, इसका इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स आई बराबर मान लेते हैं, ठीक है। देखो इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, इसमें संकेत दे रखा है एक कि x बराबर क्या रखना है, a बाय टी रखते हैं। x बराबर अगर a बाय टी रखेंगे तो क्या होएगा, देखो देखते हैं, देखो पुटिंग x बराबर a बाय टी, ठीक। इसका समाकलन अवकलन करो, एक्स सापेक्ष क्या करो इसका अवकलन, तो डी एक्स बराबर क्या जाएगा ए बाय टी स्क्वायर माइनस का, नहीं पता हजारों बार कर चुके हैं इस तरीके के इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, लेकिन कुछ याद थोड़ी रहता है। वन बाय एक्स का इंटीग्रेशन क्या, डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर, ठीक ना, तो क्या जाए माइनस वन बाय टी स्क्वायर इंटू डी टी, ठीक ना, यहाँ पे रख दो वैल्यू, तो आई हैं करके देख, अवकलन कर फिर पता चलेगा, खुद से कर। देखो वन बाय टी की जगह हो जाओ ए बाय टी रूट ऑफ, देखो ए इंटू ए बाय टी माइनस एक्स स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बाय टी स्क्वायर इंटू डी एक्स की जगह हो जाए माइनस का ए टी स्क्वायर ऑफ डी टी, लिख सकते हैं। देखो अब इसको अगर सॉल्व करते हैं तो आएगा वन बाय ए, देखो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, ए से ए कैंसिल, ठीक, ऊपर नीचे कैंसिल कर दो, माइनस का इसके साथ ले लो, तो माइनस डी टी बाय, देखो यहाँ पे बचेगा वन बाय टी, ठीक, अच्छा यहाँ पे बचेगा अंदर ए स्क्वायर बाय टी माइनस ए स्क्वायर बाय टी का स्क्वायर, ये पूरा रूट के अंदर है, ठीक, इनटू वन बाय टी का स्क्वायर हो जाएगा। इसको सॉल्व कर दो, ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है, क्या रहा है, ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है, और इसका एलसीएम हो जाएगा क्या, टी स्क्वायर, तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो माइनस डी टी बाय, देखो टी स्क्वायर का वन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा टी स्क्वायर बाय टी, ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, ए स्क्वायर क्या जाएगा कॉमन, इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा टी का स्क्वायर होगा, एक टी से एक टी कैंसिल हो जाएगा, एक टी बचेगा, तो क्या बचेगा टी माइनस वन, क्योंकि टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा वन, तो टी माइनस वन कितना बचेगा, अच्छा एक टी से एक टी कैंसिल हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन माइनस डी टी बाय टी, डी टी बाय टी, ए स्क्वायर सॉरी ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो रूट से ए बाहर आएगा, इसको ऐसे लिखो, ए स्क्वायर कॉमन लिया ना वो, इसको स्क्वायर रूट के अंदर लिखो, ए का स्क्वायर रूट के अंदर है बाहर आएगा तो कितना जाएगा ए, टी स्क्वायर रूट के अंदर है बाहर आएगा तो क्या जाएगा टी, तो रूट के अंदर क्या बचेगा टी माइनस वन, टी से टी कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा फाइनली ये बचेगा माइनस वन बाय ए, माइनस वन बाय ए इसको बाहर ले लिया, क्या बचेगा डी टी बाय रूट ऑफ टी माइनस वन, टी माइनस वन, तो इसको रूट हटा के यहाँ पे पावर क्या लिख सकता हूँ मैं, माइनस का एक बटे सॉरी प्लस का, प्लस का एक बटे दो लिख सकता हूँ, इसको ऊपर ले जाओ तो पावर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन टी माइनस वन की पावर माइनस का एक बटे दो ऑफ डी टी, ठीक। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अब समाकलन कर दो इसका, तो क्या जाएगा टी माइनस वन की पावर माइनस का एक बटे दो प्लस वन बटे माइनस का एक बटे दो
प्लस वन प्लस सी होगा। देखो क्या बचेगा यहाँ पे, टी की पावर एक बटे दो, तो माइनस का एक बटे दो सॉरी वन बाय ए, यहाँ पे बचेगा टी माइनस वन की पावर वन बाय टू, यहाँ पे जाएगा वन बाय टू, टू ऊपर चला जाएगा ठीक, तो क्या जाएगा माइनस का दो बटे ए। अच्छा टी का वैल्यू कितना है यहाँ पे, अगर यहाँ से टी निकालोगे तो टी बराबर जो ए बाय एक्स, टी बराबर ए बाय एक्स, तो यहाँ पे रख दो टी का वैल्यू, तो जो ए बाय एक्स माइनस वन की पावर वन बाय टू, यहीं तक छोड़ दो आंसर ठीक है। टी का वैल्यू रख देंगे ए बाय एक्स, तो ए बाय एक्स माइनस वन ठीक है ना, ये हो जाएगा इसका, या चाहो तो लिख सकते हो ए माइनस एक्स, ए माइनस एक्स बटे एक्स की पावर वन बाय टू, या रूट में लिख सकते हो ठीक है। आंसर चेक कर लेना, बता। देखो क्वेश्चन नंबर फोर्थ एंड फिफ्थ तो खुद ही करना, ट्राई करना, नहीं होगा तो कल बताऊंगा ठीक है। क्वेश्चन नंबर सिक्स का बताता हूँ, क्वेश्चन नंबर सिक्स है 5x डिवाइडेड बाय x प्लस वन एक्स स्क्वायर प्लस नाइन ऑफ dx ठीक ना। तो इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, मान लेंगे, माना 5x बाय एक्स प्लस वन बर सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस नाइन बराबर क्या मानेंगे, a बटे एक्स प्लस वन प्लस बाद नहीं बी एक्स प्लस सी बटे एक्स स्क्वायर प्लस नाइन, क्या मानेंगे बी एक्स प्लस सी बटे एक्स स्क्वायर प्लस नाइन। देखो यह है फाइव एक्स बटे एक्स प्लस वन एक्स स्क्वायर प्लस नाइन बराबर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसका, तो एक्स स्क्वायर प्लस नाइन इंटू ए प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस नाइन और एक्स प्लस वन ठीक है। अच्छा यहाँ पे हम क्या करते हैं, इससे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 5x, तो 5x बटे बराबर a का अंदर मल्टीप्लाई कर देना, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस नाइन ए, बी एक्स का अंदर मल्टीप्लाई कर देना तो बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस सी ठीक है ना। तो इसमें एक्स स्क्वायर वाले टर्म्स को ले लो, तो a प्लस बी आ जाएगा क्योंकि इसमें एक्स स्क्वायर है ठीक है, एक्स वाले टर्म्स को ले लो तो बी प्लस सी एक्स, और कॉन्स्टेंट टर्म्स को ले लो 9a प्लस सी ठीक हो गया। अच्छा तुलना कर देंगे दोनों पक्षों में, क्या करेंगे तुलना, तो यहाँ पे a प्लस बी बराबर 0, b प्लस सी बराबर कितना जाएगा 5, क्योंकि यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर नहीं है ना, तो जो टर्म्स नहीं है उसके बराबर क्या रख दो 0 रख दो, यह जाए 9a प्लस सी बराबर 0, तो 9a बराबर हो जाए माइनस का C, या C बराबर माइनस का 9a, यहाँ से आ जाएगा A बराबर बाद नहीं A बराबर माइनस ऑफ B, A बराबर माइनस ऑफ B, अरे बात समझे, रख दो यहाँ पे वैल्यू, यहाँ पे वैल्यू रख दो, देखो क्या जाएगा B की जगह रख दो माइनस ऑफ A, B की जगह रख दो माइनस ऑफ A, C की जगह रख दो माइनस ऑफ 9a बराबर 5, जोड़ दो उसको कितना जाएगा माइनस का 10a बराबर 5, तो a बराबर जाएगा 5 बटे माइनस का 10, तो कितना जाएगा 1 बटे 2 माइनस का, तो a बराबर जो माइनस का 1 बटे 2, a का मान आ गया, a का मान इसमें रख दो, तो b बराबर कितना जाएगा प्लस का 1 बटे 2 आ जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा ठीक, तो b का वैल्यू जाए 1 बटे 2, और यहाँ पे C का वैल्यू रख देना, तो C बराबर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 9 बटे 2 आ जाएगा। देखो इसको अब लिखेंगे हम, इसी टर्म्स को आगे लिख सकते हैं, देखो 1 बटे 2 तो माइनस का 1 बटे 2 बटे एक्स प्लस 1 और प्लस बी एक्स प्लस सी, बी का वैल्यू होगी 1 बटे 2, 1 बटे 2 एक्स प्लस 9 बटे 2 बटे एक्स स्क्वायर प्लस 9 हो जाएगा।
तो इसके बराबर हम इस फॉर्मेट को लिख सकते हैं, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, देखो आई बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन माइनस एक बटे दो बटे एक्स प्लस वन ऑफ डी एक्स प्लस, देखो इसमें से एक बटे दो कॉमन आ सकता है, एक बटे दो कॉमन ले लो, क्या बचेगा एक्स प्लस नाइन बाय एक्स स्क्वायर प्लस नाइन ऑफ डी एक्स। देखो इसको तोड़ दो यहाँ पे फिर से, तो माइनस एक बटे दो इंटीग्रेशन वन बटे एक्स प्लस वन ऑफ डी एक्स, वन ऑफ डी एक्स प्लस एक बटे दो इंटीग्रेशन एक्स बटे एक्स स्क्वायर प्लस नाइन ऑफ डी एक्स ठीक ना, प्लस नौ बटे दो इंटीग्रेशन वन बाय एक्स स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर ऑफ डी एक्स। नहीं इसको भी फिर से तोड़ दिया, इसको एक बार एक्स के बट्टे में ले लिया, इसको एक बार नौ के बट्टे में ले लिया और एक बटे दो का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, अरे बस समझ में ठीक। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस एक बटे दो लॉग एक्स एक्स प्लस वन, लॉग एक्स प्लस वन। अच्छा इसका इंटीग्रेशन कर लो, इसको बाद में करते हैं, प्लस का एक बटे दो सॉरी नौ बटे दो, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा वन बाय ए टेन इनवर्स एक्स बाय थ्री, किसका फॉर्मूला हो गया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है वन बाय ए टेन इनवर्स एक्स बाय ए होता है ठीक। अच्छा ये बचा हमारे पास प्लस का एक बटे दो इंटीग्रेशन एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस नाइन ऑफ डी एक्स, इससे काट दो कितना आएगा तीन, इसका इंटीग्रेशन भी मैं शॉर्ट में कर सकता हूँ ठीक ना। देखो इसके बराबर क्या रख देंगे टी रख देंगे, इसके बराबर कितना रखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस नौ बराबर टी, तो इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा टू एक्स डी एक्स बराबर डी टी, इस टू को भगा के इधर भेज दो तो एक्स डी एक्स बराबर क्या जाएगा डी टी बटे दो, तो क्या जाएगा ये हो जाएगा माइनस के एक बटे दो लॉग एक्स प्लस वन, ये हो जाएगा प्लस का तीन बटे दो टेन इनवर्स एक्स बटे तीन प्लस एक बटे, देखो ये दो है ना इस दो से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना एक बटे चार इंटीग्रेशन डी टी बाय टी, और डी टी बाय टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा लॉग टी, कितना जाएगा लॉग टी, लॉग टी, टी का वैल्यू कितना एक्स स्क्वायर प्लस नहीं डायरेक्टली कर देता हूँ मैं, तुम एक लाइन और कर लेना एक्स्ट्रा, तो लॉग एक्स प्लस वन प्लस तीन बटे दो टेन इनवर्स एक्स बाय थ्री प्लस एक बटे चार लॉग एक्स स्क्वायर प्लस नाइन प्लस सी ठीक है, ये हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन, क्लियर है कर लो उसको देख लो समझ लो, बाकी करते हैं कल।